आखिरकार 31 मई तक लॉकडाउन फिर से क्यों लगाया गया? लॉकडाउन 4 का आखिरकार क्या राज है? लॉकडाउन 4 लगाने के पीछे क्या बड़ी वजह है? इस वीडियो में जानें। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके चैनल राउंड वर्ल्ड न्यूज में। दोस्तों, 48,05,186 लोगों की जाने की बहुत ही बड़ा संभावनाएं बनी है, बहुत बड़ा खतरा है। आप लोग को बता दूं कि यह आंकड़ा 48,05,186 पहुंच चुका है, जिसमें अमेरिका, रूस, स्पेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, ईरान, भारत, जहां तक कई ऐसे जगह पर यह खतरा मंडरा रही है। देश के कोने कोने में यह खतरा काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दूं भारत के स्थिति के बारे में, तो भारत की स्थिति अभी तक 96,100 प्लस जा चुका है, और यहां तक जिसमें बहुत ही खराब स्थिति देखी गई है। इस वजह से ये लॉकडाउन 4 लगाया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, बिहार और जहां तक कर्नाटक, हरियाणा, ओडिशा, केरल, कई ऐसे जगह पर यह आखिरकार कोरोना ने काफ़ी तबाही मचाई है। और आप लोगों को बता दूं ये आंकड़ा काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। और आप लोगों को बता दूं भारत भर में आंकड़ा की बात किया जाए तो 5,000 जहां तक रोज ये आंकड़ा काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। तो भारत की स्थिति काफ़ी ये गंभीर होते जा रही है, जिसमें बिहार की जो आंकड़ा है 1,262 पहुंच चुका है, जो बहुत ही खराब स्थिति है। तो दोस्तों, इसी सब को देखते हुए लॉकडाउन 4 लगाने की बात सोची गई है। जहां तक दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, एक महीने पहले की बात है, जो स्थिति था 10,00,000 तक आंकड़ा देखी गई थी, अब यह आंकड़ा 48,05,000 प्लस जा चुका है। तो सोच सकते हैं कि आंकड़ा किस तरह काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें अभी तक 3,16,730 लोगों की जानें जा चुकी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि स्थिति किस तरह का गंभीर है, जिस वजह से ये लॉकडाउन 4 लगाया गया। इस पर आप लोग अपना अपना राय दें, इस वीडियो को इतना शेयर करें जो लोगों के पास ये अपडेट पहुँचे। मिलते हैं अगले अपडेट में।